Good morning. Hashtag Road Trip with RNM and History TV 18 Season 6 का आज 10वां दिन है और National Highway 16 पे हम निकल रहे थे और हमारे को मिल गया ये एक ब्रेक राजस्थान शर्मा ढाबा निमड़ा में, क्योंकि इतने सुबहों से हम आपको दिखा रहे हैं डोसा, इडली, पोंगल, डिलीशियस खाना, तो हमने कहा आज ब्रेक देते हैं अपने आप को भी और आपको भी, और आपको दिखाते हैं पराठे। देखिए नेशनल हाईवे 16 पे चलते हैं बहुत सारे ट्रक्स और ट्रक्स आते हैं पूरे स्टेट से, सब जगह से, तो खाना जो है यहाँ पर NH 16 पे विशाखापट्टनम या श्री काकुलम से निकल के जब आप जा रहे हैं भुवनेश्वर की तरफ, आपको बहुत सारा खाना मिल जाएगा अलग अलग वैरायटीज का। तो ये है एक बहुत शानदार रिप्रेजेंटेशन असली राजस्थानी स्वाद का। मिर्ची, लाल मिर्च, हरी मिर्च, खूब सारा प्याज, पनीर, ये देखिए कितने जबरदस्त पराठे बनाए इन्होंने और बिल्कुल राजस्थान की याद आ गई। परौंठा खाते साथ में पूड़ी गरम गरम और आलू की सब्जी और दही। लेकिन दैट इज नॉट ऑल, मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमको कुछ और एक स्पेशल बना के दे। क्या मिलने वाला है? आगे आगे नूडल्स आ गए। थैंक यू धन्यवाद। ये लीजिए, मेरे चिंग्स जस्ट सोक वेज हाका नूडल्स जो हैं उनको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब जस्ट सोक करो और बाकी सब भूल जाओ, यानी कि पानी गर्म करो, उतारो गैस से, उसके अंदर डालो अपने हाका नूडल्स 5 मिनट के लिए, उसके बाद पानी निकाल के ठंडे पानी के नीचे डालो, नूडल्स तैयार, फर्स्ट क्लास। तो मैंने क्या किया कि मैंने अंदर आते हैं यहाँ पर जो उस्ताद जी हैं, और हाँ ढाबा के अंदर जो खाना बनाते हैं उन्हें उस्ताद जी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ी इज्जत से बात कीजिएगा, उनको मैंने दिया अपना चिंग्स जस्ट सोक वेज हाका नूडल्स और उन्होंने अपने स्टाइल से बना के फटाफट थोड़ा सा प्याज, थोड़ा टमाटर, थोड़ी हरी मिर्च, तेल, एक आध सब्जी डाल के फ्राई करके चिंग्स चाउमीन हाका नूडल्स मसाला डाल के, नूडल्स डाल के, बड़ाम रेडी टू ईट, दैट सिंपल, और हर बारी डिलीशियस और टेस्ट बिल्कुल सेम। तो ये जो चिंग्स चाउमीन हाका नूडल मसाला जो है बहुत ही सिंपल है, एक पैकेट में आपको 2 पैकेट नूडल्स का मसाला मिल जाता है। तो हमने आधा पैकेट दिया अंदर, उन्होंने बड़े प्यार से आधा पैकेट डाला नूडल्स के ऊपर एंड रेडी टू ईट। सही बोला कि गलत बोला? एब्सोल्युटली यार, मैंने तो लिए नहीं है। और ये मतलब बिल्कुल इंडियन टेस्ट, देखो आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो। हमने क्या किया कि हम पराठे के साथ खाएंगे। पराठे की जो बात हो रही है, आप देखिए जो अच्छा पराठा होता है ये लेसन बाहर से होता है क्रिस्प करारा और अंदर उसमें भरा हुआ होता है खूब सारा माल, तो मतलब हम तो सिर्फ उसी से जज करते हैं कि परांठे में अंदर कितना आपको माल मिलेगा। ये देखो इतना सारा इन्होंने डाल सकते, मेरे ख्याल से चीज़ का मुझे खुल ही नहीं रहा कि आप खोल के दिखाओ ना। कोई देखिए आप परांठे बोलते हैं, हम परौंठा बोलते हैं, सारे परांठे थोड़े थोड़े कोई चूहा खा गया है शॉट से पहले, सैंपल करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये देखिए ये है आलू का परांठा और फिर आलू और प्याज, तो खूब सारा प्याज, थोड़ा बहुत आलू और साथ में हरी मिर्च, प्याज, लाल मिर्च, ऊपर से नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर। तो गरम गरम परांठे जब निकलते हैं एक फायर होता है उसके टेस्ट में, एक शार्पनेस होती है उसके टेस्ट में, जो गरम जो हीट होती है परांठे की बहुत सेटिस्फाइंग होती है, क्योंकि हम लोग जो वीट ईटिंग मेजॉरिटी वीट खाते हैं हम लोग नॉर्थ इंडिया में, तो ये हमारे लिए बड़ा कंफर्ट फूड है। नथिंग लाइक अ गुड परांठा। वाह, एंड क्या चॉइस है। अगर आप राजस्थान शर्मा ढाबा में आएंगे, नंबर वन जो बेसिक्स है वो तो आपको ऑलवेज मिल जाएंगे, आलू प्याज के परांठे, मिक्स वेजिटेबल परांठे, गोभी परांठे, पनीर परांठे, और कभी कभी मतलब जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, जो पीछे बहुत सारे खेत हैं, तो हो सकता है आपको सीजनल वेज के भी परांठे मिल जाएंगे। और ये तो है सारा ब्रेकफास्ट का काम, इनका काफ़ी डिटेल लिस्ट है इसमें, आपको लंच पे चिली पनीर, पनीर मंचूरियन, राजस्थानी थाली, राइस वेज थाली, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको एक और चीज़ बनाना चाहते हैं कल रात, और पहले बताते हैं कि लोगों ने जो करेक्टली गेस किया कि हम कल रात कहाँ थे, हम कहाँ दे रहे हो भैया कल रात? श्रीकाकुलम, ऐसे कुछ था। हाँ, मेरी याददाश्त थोड़ी गुम सी रही है। हाँ। तो जिन लोगों ने बिल्कुल करेक्टली गैस किया कि कल रात हमारी गाड़ी श्रीकाकुलम में रुकी थी, ट्विटर पे सिद्धार्थ मेहता @Siddharth1598, वेल डन सिद्धार्थ, यूट्यूब पे अर्जनवीर सिंह, वेल डन अर्जनवीर सिंह, वेल डन, आई एम सो हैप्पी यू वाचिंग, फेसबुक पे मुकेश के महाजन, मुकेश के महाजन, शाबाश शाबाश, एंड इंस्टाग्राम पे vinayak.igve @igve.95, complicated, but well done, well done, well done.
तो देखिए श्रीकाकुलम में आप अगर इस साइड आएंगे आपको तो जो रहने की खाने की ऑप्शंस थोड़ी सी लिमिटेड हैं। नहीं थोड़ी सी नहीं, बहुत सी बहुत बहुत सी लिमिटेड है। अगर हम आपको बता सकते हैं कि कल जहाँ पे हम रहे थे हमारा क्या हाल हुआ था, पर यही जो है ट्रैवल का मज़ा है। कभी कभी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, बहुत सारे आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, कभी कभी रूखी सूखी की खानी पड़ेगी, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो जो है आप संभाल लो, सह लो, क्योंकि ये आप कॉन्फिडेंस रहो कि आगे जाके ज़रूर और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी। जी हाँ, और ये तो हमने आपको अपनी कहानी बता दी, अब आपका काम है हमें बताना कि आज रात हमारी गाड़ी कहाँ रुकेगी, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता है, आपको पता है आप कहाँ से निकल रहे हैं। और मज़ा यही है, जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ कुछ देखे वहाँ गाड़ी रोक लो, जहाँ पे अरे बाटन हेलो बकरी, जहाँ पर आपको देखे थोड़ी बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं, थोड़े बहुत लोग हैं, थोड़ी चहल पहल है, किचन में चार पांच लोग घूम रहे फिर रहे हैं, कुछ गर्म गर्म बाहर आ रहा है, चांसेस है कि वहाँ पे खाना अच्छा होगा। और जो रोड साइड ढाबे होते हैं हाईवे साइड पे, वहाँ पर जनरली खाना लेवल ठीक ही होता है, ज़्यादा ख़राब नहीं मिलेगा आपको, बहुत रेयर है कि आपको ख़राब खाना मिल जाए हाईवे साइड पे, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर होते हैं ना, अगर खाना थोड़ा भी ख़राब हुआ वो ठीक कर देते हैं उसको अपने लविंग तरीके से। बाय चांस गलती से बैक कर दिया ट्रक, रिवर्स कर दिया ट्रक की ट्रक और ढाबा गया डाउन अंडर द ट्रक, तो हॉट फ्रेश फूड डिलीवर्ड बिल्कुल टू योर टेबल जल्दी जल्दी, वो आपको गारंटी पक्का मिल जाएगी। जी हाँ, और हॉट फ्रेश से बिल्कुल नरम पूरी, ईस्ट इंडिया का जो पूरी बनाने का तरीका है ना वो बाकी सबसे बेटर है, बंगाल से लेके उड़ीसा से लेके आंध्रा तक पता नहीं इतनी प्यारी पूरियाँ कैसे बनाते हैं, पर बड़ी अच्छी बनाते हैं। उसके साथ ये टिपिकल राजस्थानी आलू की सब्जी, तेज शार्प तले हुए आलू, खूब सारा जीरा, खूब सारा प्याज, एक बहुत अच्छा कंफर्टिंग टेस्ट सुबह सुबह। तो हमारा ब्रेकफास्ट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, चिंग्स जस्ट सोक वेज हाका नूडल्स इन अकम्पनीमेंट, ये भी बड़ा मजा आ रहा है खा के आज सुबह। तो हमें तो बड़ा ब्यूटीफुल स्टार्ट हो चुका है दिन में, आपको कुछ और बोलना है या मैं खाना खा लूं अभी चुपचाप? थैंक यू अपॉर्चुनिटी अर्ज किया है, अर्ज किया है, प्लीज हरी अप एंड ईट, वेदर इट इज योर परांठा, वेज हाका नूडल्स और पूरी, बिकॉज आर डेस्टिनेशन इज नॉट वेरी नियर, इट इज एक्चुअली क्वाइट दूरी। वाह सर वाह, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता पूडल, परांठे के साथ पूरी भी खाई और ऑर्डर किए नूडल, वाह सर वाह 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 वाह।